हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज़ 48। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। 27 अप्रैल 2020 आज की मुख्य मुख्य खबरें। होमगार्ड के जवान से उठक बैठक मामला, कृषि मंत्री ने कहा अधिकारी को प्रमोशन नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा पटना के अंदर होमगार्ड जवान के से जो है वो कृषि अधिकारी ने किस प्रकार बदसलूकी की थी, होमगार्ड साथी से उठक बैठक निकलवाई थी। उस कृषि अधिकारी को सरकार ने अभी तक सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि उसका तबादला किया है। दोस्तों, खबरों में आ रही है हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार होमगार्ड के एक जवान को उठक बैठक करवाते नजर आए रहे थे। इसके बाद ना सिर्फ बवाल मचा बल्कि कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अररिया थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था। खुद बिहार के DGP ने पीड़ित होमगार्ड के जवान से बात कर माफी मांगी थी। अररिया के कृषि पदाधिकारी को प्रमोशन दिए जाने का मामला गरमाया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा अधिकारी को प्रमोशन नहीं बल्कि दंडित किया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई थी कि उस कृषि अधिकारी को सरकार ने प्रमोशन देके उसका तबादला किया है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। लेकिन दोस्तों, सरकार को उस कृषि अधिकारी को तबादला करने की बजाय उसे सस्पेंड करना चाहिए था, ताकि आगे ऐसी हिम्मत कोई ना कर सके। कृषि मंत्री ने कहा कि अररिया में होमगार्ड के जवान से उठक बैठक कराई गई जाने के मामले में अधिकारी पर केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के DGP ने पीड़ित होमगार्ड के जवान से बात कर माफी भी मांगी थी। हाल ही में अररिया के कृषि पदाधिकारी के होमगार्ड के एक जवान से उठक बैठक कराए जाने को लेकर बवाल मच गया था। अब एक खबर के मुताबिक उन्हीं कृषि अधिकारी मनोज कुमार को प्रमोशन देकर उप निदेशक बना दिया गया है। इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। हालांकि इस मामले में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि संबंधित अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया गया बल्कि उसे दंडित किया गया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि सरकार ने बिल्कुल भी उसे दंडित नहीं किया है। सरकार ने उसका प्रमोशन तो नहीं किया लेकिन उसका तबादला कर दिया। यानी दोस्तों, प्रमोशन तो नहीं किया लेकिन तबादला कर दिया। लेकिन सरकार को यह चाहिए था कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती उसे जो है वो सस्पेंड रखना चाहिए था, उसे अपने काम से हटाना चाहिए था। क्योंकि किस प्रकार उन्होंने जो है वो एक होमगार्ड साथी के साथ दुर्व्यवहार किया था, देश की जनता ने देखा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा प्रमोशन नहीं बल्कि सजा दी गई है। कृषि पदाधिकारी के प्रमोशन मामले पर बात करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने नवभारत टाइम्स को बताया था कि आरोपित मनोज कुमार को फिलहाल पटना बुलाया गया है। कृषि पदाधिकारी के समकक्ष ही उपनिदेशक के पद पर पटना में सिर्फ ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जाँच की कार्रवाई प्रभावित न हो, इस कारण से उन्हें अररिया से हटाया गया है। प्रेम कुमार ने कहा कि उन पर जब तक FIR हो चुकी है तो प्रमोशन का सवाल ही नहीं उठता है। जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें निलंबित किया जाएगा बल्कि उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि जब जांच पूरी हो जाएगी और जाँच अगर सही पाई जाएगी तो कृषि अधिकारी को हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करे। आगे खबरों में बात करेंगे पंजाब से। कोरोना पंजाब में रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों और होमगार्ड जवानों को 2 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड जवानों और पुलिस कर्मियों को सरकार ने सेवा विस्तार दिया है ताकि जो कर्फ्यू के हालात लगे हैं या फिर जो लॉकडाउन है उसको सफल बनाया जा सके। तो ये थी आज के दोस्तों होमगार्ड जवानों की मुख्य अपडेट्स। आपके राज्य की न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।